हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैन्सी क्लासेस एंड दिस इज नैन्सी। एंड आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इतने कम समय में यूपी SSSC पैट एग्जाम को किस तरीके से क्वालिफाई किया जाए, क्योंकि जुलाई आपका आधा बीत चुका है एंड सितंबर में आपका एग्जाम है। सो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, अब इतने कम समय में किस तरीके से एक सटीक रणनीति बनाई जाए ताकि इस एग्जाम को पहली ही बार में क्वालिफाई किया जाए, एक बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर लाया जाए और बहुत अच्छा परसेंटाइल कैसे यहाँ पर लाया जाए। सो आइए जानते हैं। ये सभी चीज़ें जानने से पहले आपको थोड़ा सा मैं पैट एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहूँगी कि आखिर में ये पैट एग्ज़ाम है क्या। हालांकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पैट एग्ज़ाम का, जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी, लेकिन उसके बाद भी कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या मैम मैं मुझे आगे चल के सुपर टेट एग्ज़ाम देना है, या फिर मुझे आगे चल के KVS एग्ज़ाम देना है, या फिर मुझे आगे चल के SSC CGL एग्ज़ाम देना है, तो क्या इन एग्ज़ाम्स के लिए पैट एग्ज़ाम ज़रूरी है या फिर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं कि आखिर में पैट एग्ज़ाम है क्या। देखिए, पैट एग्ज़ाम आपका UP SSSC के द्वारा आपका कराया जाता है। ये सेकेंड टाइम है जब UP SSSC के द्वारा ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा। इससे पहले आपका पिछली साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, ठीक है। सो ये एग्ज़ाम आपका एक ऐसा एग्ज़ाम है जो UP SSSC के द्वारा कराया जाता है। UP SSSC की जितनी भी वैकेंसी आगे चल के आती हैं, जैसे आपका लेखपाल की वैकेंसी हुई, आप लोगों ने सुना होगा, लोअर PCS आप लोगों ने सुना होगा, बिलिस डेवलपमेंट ऑफिसर आप लोगों ने ये भी सुना होगा, या फिर अन्य कोई वैकेंसी जो आपकी UP SSSC के द्वारा लाई जाती है, अगर आपको आगे चल के इन वैकेंसीज में अप्लाई करना है देन आपको ये पैट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने पैट एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई किया होगा तो आप लोग जो हैं लेखपाल का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे आगे चल के, लोअर PCS का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, बिलिस डेवलपमेंट ऑफिसर का भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम जो आपके UP SSSC के द्वारा लाया जाता है तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हुआ कि आखिर में पैट एग्ज़ाम है क्या। अब यहाँ से आप जानेंगे कि किस तरीके से एक सटीक रणनीति बनाई जाए ताकि इस एग्ज़ाम को पहली ही बार में बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया जाए। आपको करना कुछ नहीं है, बस आप जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पर आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से आपको पैट एग्ज़ाम को पहली बार में क्वालिफाई करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस एग्ज़ाम में आने वाले सब्जेक्ट को समझना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके ज़्यादा मार्क्स के हैं, यानी कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टोटल आपके 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है, ये 100 मार्क्स किस तरीके से आपके सब्जेक्ट्स में डिवाइड है ये आपको देखना है। फिर आपको देखना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट को छोड़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। उससे पहले आपको ये जानना है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप UP SSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप देखिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आना है। जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा मार्क्स का आएगा उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो कम मार्क्स का आ रहा है उसको आपको थोड़ा सा कम फोकस करना है, ठीक है, कम टाइम देना है, फोकस का मतलब टाइम से है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल भी नहीं आपको पढ़ना है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इकोनॉमी पहले पढ़ी होगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इकोनॉमी पहले पढ़ी हुई है तो उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा रिविजन कर लीजिएगा। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कभी इकोनॉमी नहीं पढ़ी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इकोनॉमी आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है देन आप जरूर पढ़िए, लेकिन मैं टाइम के हिसाब से यहाँ पर रणनीति बता रही हूँ आपको कि इस टाइम को कम से कम टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करें ताकि इस एग्ज़ाम को पहली बार में क्वालिफाई किया जाए। सो यहाँ पर मैं कहूँगी कि इकोनॉमी आप बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट को समझिए, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है इसको समझिए और इकोनॉमी को आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए। फिर आता है आपका प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में आपको ये देखना है कि किस सब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटी सबसे पहले देनी है, किसको आपको बाद में प्रायोरिटी देनी है। तो यही मैं आपको समझाऊंगी, ये सबसे अच्छी रणनीतियों में से माना जाता है कि ये समझना कि पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आपको और बाद में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देनी है किसको, आपके ग्राफ और तालिका से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं, जो कि आपके 10-10 नंबर के आते हैं, टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आपके ग्राफ एंड तालिका से रिलेटेड आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि ग्राफ एंड तालिका से रिलेटेड प्रश्न के लिए आपको सबसे पहले प्रतिशतता एंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, तब जाके आप इस वाले चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको ये सबसे पहले तैयार करना है ग्राफ एंड तालिका से रिलेटेड प्रश्न, क्योंकि ये बहुत सिंपल आते हैं और इनको करना ज़्यादा टफ नहीं होता है, आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको परसेंटेज आनी चाहिए एंड प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए बस, ठीक है।
तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। दूसरा आपको क्या करना है, प्रायोरिटी किसको देनी है, हिंदी गद्यांश को। इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ भी मत पढ़ के जाइएगा, मैं यही सजेस्ट करूंगी। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, आसानी से आपका हो जाएगा। 30 मार्क्स हो गए आपके। 10 मार्क्स का आता है आपका जनरल अवेयरनेस, और फिर 10 मार्क्स का आता है आपका करेंट अफेयर्स। कुल मिला के ये 50 नंबर हो गए। अब मैं आपको समझाती कि करेंट अफेयर्स एंड आपको जनरल अवेयरनेस को किस तरीके से लिंक करना है। ये दोनों सब्जेक्ट आपके इंटरलिंक होते हैं, बस आपको समझना है किस तरीके से इंटरलिंक होते हैं। जब आप देखेंगे करंट अफेयर्स में आप जो है प्राइज वगैरह पढ़ते हैं और कुछ फेमस पर्सनैलिटी वगैरह पढ़ते हैं, बुक एंड ऑथर पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ कवर होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जनरल अवेयरनेस में कवर होती हैं। करेंसी एंड कैपिटल आप कहाँ पर पढ़ते हैं, करेंसी एंड कैपिटल आप आपकी जो है करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। यही करेंसी एंड कैपिटल आपका कहाँ पर आना है, यही करेंसी एंड कैपिटल आपकी जनरल अवेयरनेस में आनी है। ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड स्तर पर हैं, वो आपके हेडक्वार्टर्स उनके कहाँ पर हैं, ये आप करंट में पढ़ते हैं। यही आपको कहाँ पर पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में पढ़ना है, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना है, जनरल अवेयरनेस को इंटरलिंक करना है करेंट अफेयर्स के साथ। जो चीज़ें आपकी जनरल अवेयरनेस में आनी है उनको करेंट अफेयर्स में जाकर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ठीक, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको जनरल अवेयरनेस के लिए अच्छे से तैयार करने हैं। अब जनरल अवेयरनेस में कुछ आपको अलग से मैं बताऊंगी। जैसे आपको क्या करना है कि आपको एक वर्ल्ड का मैप ले लेना है, और आपको एक इंडिया का मैप ले लेना है, और एक यूपी का मैप ले लेना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो जनरल अवेयरनेस है उसके सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है पड़ोसी देश के बारे में। तो पड़ोसी देश आपको पता होना चाहिए। अगर पड़ोसी देश आपको पता होंगे तो फिर आपको इंडिया पर आ जाना है, इंडिया में आपको देखना है अपने इंडिया का मैप। फिर आपको यूपी के मैप पे आ जाना है, यूपी का मैप देखना है, कितने जिले हैं, कौन सा उत्तरी जिला है, कौन सा पश्चिमी जिला है, कौन सा पूर्वी जिला है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपसे पड़ोसी देश के बारे में आई थिंक पूछा गया था ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि आपको मैप जरूर रखना है, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आना है, और साफ साफ आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी मेंशन किया गया है, उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में, एंड इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी मेंशन किया गया है। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में आपको सारी चीज़ें पता है कहाँ कवर होंगी, करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगी, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस देखिएगा कि आपका किस तरीके से आपको किस सब्जेक्ट में कौन सा चीज़ें पढ़नी है। सिलेबस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ गो थ्रू द सिलेबस। मैं पर्सनली कहूंगी कि आप लोग सिलेबस को जरूर देखिए, एक एक टॉपिक उठाइए जनरल अवेयरनेस का, और एक एक टॉपिक को कवर करते चलिए। जो टॉपिक करेंट में कवर हो रहे हैं उनको आप करेंट में कवर करिए। ठीक है, ऐसे आपको कवर कर लेना है। तो ये 50 मार्क्स की मैंने आपको रणनीति बताई है। जैसे मैंने सबसे पहले क्या बताया, ग्राफ एंड तालिका से रिलेटेड प्रश्न जो कि 10-10 मार्क्स के आते हैं, 20 मार्क्स हो गए। करेंट अफेयर्स 10 मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स हो गए। जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का आता है, आपके कितने नंबर हो गए, 50 नंबर हो गए। एंड फिर आपका 10 मार्क्स का क्या आता है, 10 मार्क्स का आपका आता है हिंदी के गद्यांश, तो आपके 50 मार्क्स हो गए। ये 50 मार्क्स ऐसे हैं जिनको आप आसानी से गेन कर सकते हैं, इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना है। जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ बस आप उसको करिए। ठीक, फिर आपके बचते हैं 5-5 अंक के प्रश्न जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो, तो उनको आपको जो है पढ़ते रहना है, साथ में थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए चलना है। लेकिन आपको किस तरीके से कवर करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करना है। प्लीज़ आप सिलेबस ज़रूर हार्ड कॉपी के फॉर्म में रखिएगा। मैं सजेस्ट करूँगी सॉफ्ट कॉपी ना रखें तो अच्छा होगा आपके लिए, हार्ड कॉपी रखिए। एक एक टॉपिक उठाइए, आपके जो जीएस से हैं, जैसे हिस्ट्री में एक टॉपिक उठाया, एक टॉपिक को कवर करिए, दूसरा टॉपिक उठाया उसको कवर करिए, तीसरा उठाया उसको कवर करिए, ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट को कवर कर लेना है। 5 मार्क्स वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी में भी यही करिए, यही जियोग्राफी में करिए, और यही और भी सब्जेक्ट्स जो हैं आपके हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, तो उनमें आप कवर करिए। ठीक, और हिंदी में मैं सजेस्ट करूंगी कि आपके पर्यायवाची वाला चैप्टर आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक, तो इनको आपको इस तरीके से साथ में थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहना है। लेकिन ये जो 50 मार्क्स जो मैंने सटीक बताए हैं इन पर ज़्यादा फोकस करिए। ये आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप आसानी से मार्क्स ला सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हुआ तो उसमें आप कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक ये इनफ है आपके लिए कि प्रायोरिटी किस तरीके से देनी है। नेक्स्ट आता है आपका नोट्स। ये तो मैं आपको हर वीडियो में मेंशन करती हूँ कि आपको आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स रखने हैं, किसी और के नोट्स नहीं पढ़ने हैं। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं
अगर आप 10 लाइन पढ़ रहे हैं तो आप उन 10 लाइन को किस तरीके से एक या दो लाइन में लिखेंगे, अब आपको ये टेक्निक आनी चाहिए। सो नोट्स को आप बनाइए, ब्रीफली नोट्स बनाइए, ज़्यादा आपको हैवी नोट्स नहीं बनाने को कहूँगी, हल्का नोट्स बनाइए ताकि आप क्विक रिविज़न कर सकें। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ ऐसी डेट वगैरह हुआ, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो उसको आप ज़रूर से लिखिए, जो आपको आगे चल के रिविज़न करते टाइम आसानी हो, ठीक है, जिनको आप पढ़ सकें। सो रिविज़न के लिए नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो आपको जो है रिविज़न ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एग्ज़ाम के पहले कर रहे हैं, उसमें आपको बीच बीच में रिविज़न बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिविज़न। जब आप रिविज़न करेंगे तो उतनी ही अच्छी जो है आपकी प्रैक्टिस निखरेगी। सो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्लीज़ रिविज़न करें और नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। फिर आता है PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि ये एग्ज़ाम आपका सिर्फ एक ही बार कंडक्ट हुआ है, इसके पहले अभी तक नहीं होता था। सेकेंड टाइम है जब ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो रहा है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करिए, आई थिंक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा, अगर नहीं होगा देन मैं टेलीग्राम में आपका जो पेपर है इसको PDF के फॉर्म में भेज दूंगी। तो वहाँ आपको इस पेपर को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम आपको इस पेपर को देखना है। मैं कभी नहीं कहूँगी सिर्फ एक बार पेपर देखा एंड चिल करिए, कभी नहीं, कम से कम 2 से 3 टाइम आपको इस पेपर को अच्छे से देखना है, ठीक। सो गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें आपको ये देखना है कि किस टॉपिक से आपका प्रश्न आया है, तो वो टॉपिक आपके लिए इस बार का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। साथ ही साथ आपको देखना है कि आपके कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं आते हैं और आपको कवर करने हैं, तो उनको आप कवर करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप ये मान के चले कि इस बार मैं कहूँगी कि लिख के दे सकती हूँ कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, हूबहू क्वेश्चन आ सकते हैं, एज इट इज आ सकते हैं। अगर एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आपको उसी तरीके का क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस बार भी एग्जाम में, ये बिल्कुल फिक्स मान के चले आप लोग। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको आप लोग देखिए, ठीक। फिर नेक्स्ट होता है आपका प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस जितना आप कर सकें उतना करिए। तो आप बाहर से कोई जो है प्रैक्टिस के लिए बुक खरीद सकते हैं, जैसे यूथ पब्लिकेशन टाइम की प्रैक्टिस के लिए बुक आती है, आप वो ले लीजिएगा, मैंने उसी को परचेज किया था, काफ़ी अच्छी है, आप उसको ले लीजिएगा। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए, जैसे ही आपका एग्जाम पास होता है तो कई सारे यूट्यूब चैनल जो है प्रैक्टिस करवाते हैं, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हालांकि लिखा लास्ट में है लेकिन इसको होना ऊपर चाहिए, लेकिन जब हम सीक्वेंस डिसाइड करते हैं तो ये लास्ट में आता है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस ज़रूर करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे पास तो आप हो जाएंगे डेफिनेटली, लेकिन एक अच्छा स्कोर अगर आपको लाना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जितना पढ़े उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप जो है थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, ये मान के चलें कि मुझे अपना 100% देना है, बाकी जो होता है देखा जाएगा। आप लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट कम होइए और पॉजिटिव रहिए इस एग्ज़ाम के प्रति, अपने बिहेवियर को भी पॉजिटिव रखिए इस एग्ज़ाम के प्रति या फिर अदर एग्ज़ाम के प्रति। बस यही करते रहना है, खुश होकर पढ़ाई करना है, स्ट्रेस लेकर आपको पढ़ाई नहीं करनी है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। खुश होकर पढ़ाई करिए, इंजॉय करके पढ़ाई करिए, देन मैं श्योर हूँ कि आपका एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा। आई थिंक इतनी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी जो है आगे चल के प्रूफ होंगी, और आप लोग ज़रूर कहेंगे कि मैम मुझे इन सारी चीज़ों ने बहुत हेल्प की है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, इस वीडियो ने आपके लिए हेल्प की है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। एंड लास्ट में आपसे कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं नैन्सी क्लासेस की वो आप तक पहुँच पाएँ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।